हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच समझ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रीपोजिशन बताया था। उसमें मैंने थ्री प्रीपोजिशन जो है एट, इन, ऑन, उनका यूज़ भी बताया था कि कहाँ पे होता है। मैं आगे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के यूज़ बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हम कंजक्शन को समझ लेते हैं, ताकि मैं आगे का जो सिलेबस है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा सकूँ। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से। तो कंजंक्शन क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक, कंजंक्शन। देखिए, जंक्शन इसमें जुड़ा हुआ है। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, जहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ती है, ठीक है, जॉइंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंजंक्शन आर यूज्ड कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज टुगेदर। तो कंजंक्शन वो शब्द हैं जो क्या करते हैं, किसी वर्ड को या किसी फ्रेजेस को या किसी क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। दे कोऑर्डिनेट द वर्ड्स टुगेदर सो दे मेक सेंस एज अ कोहेसिव थॉट, सेंटेंस और पैराग्राफ। यानी ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स को साथ में जोड़ते हैं ताकि क्या हो, उस सेंटेंस का कोई सेंस बन सके, और वो कोई पैराग्राफ है या कोई थॉट है तो उसका कोई सेंस बन सके। यानी बेसिकली अगर हम कहें तो कंजंक्शन क्या है, ये डिफरेंट वर्ड्स या फ्रेसेस या क्लॉजेस को जोड़कर पूरे सेंटेंस को एक अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं ने, जैसे पहला एग्जाम्पल है गो टू द स्टोर एंड बाय सम मिल्क। यानी स्टोर जाओ और वहाँ से कोई मिल्क जो है वो खरीदो। अगर हम सिंपली ऐसे, यहाँ पे एंड जो है वो क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। दो यहाँ पे गो टू द स्टोर है एक सेंटेंस, और एक हमारा है, सॉरी सेंटेंस नहीं, एक फ्रेज ये है और एक बाय सम मिल्क ये फ्रेज है। दोनों को उसने जोड़ा और बीच में हमने एंड लगा दिया दोनों बातों को जोड़ने के लिए। तो ये क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को उसने अर्थ दे दिया कि हम बोल रहे हैं कि आप स्टोर जाओ और वहाँ से मिल्क खरीदो, स्टोर जाओ मिल्क खरीदो। अगर एंड नहीं लगा होगा तो हमारा सेंटेंस अधूरा सा लगेगा, है ना। और कंजंक्शन जो होते हैं ना, उनका यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि हमें बार बार जो है बातों को कहना ना पड़े, हम एक लंबा सा जो हमारा वाक्य है वो हम एक सेंस में उसे कह दें, ठीक है। जैसे है माय पेन इज़ आइदर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉअर। तो किसी को आप बता रहे हो कि मेरा पेन या तो टेबल पे रखा होगा या तो ड्रॉअर में होगा। तो यहाँ पे जो दो कंजंक्शन यहाँ पे दो हैं, एक है आइदर और एक है और। कुछ अभी आप टाइप पढ़ोगे जब कंजंक्शन की, तब देखोगे कि कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो ऐसे ग्रुप में आते हैं, जैसे आइदर और हो गया, है ना। आगे भी देखोगे आप तो कुछ होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे एंड हो गया या इफ़ हो गया, जब आप उनके टाइप पढ़ोगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ये काफ़ी लंबा सा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में भी जो है, इस पूरे सेंटेंस को आइदर या और जो है, एक वो कंप्लीट सेंस देने का और इन जो शब्द हैं इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू विल नीड टू स्टडी ऑल नाइट इफ़ यू वॉन्ट टू पास टुमोरोज टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज दिख रहे होंगे आपको। एक है यू विल नीड टू स्टडी ऑल नाइट, और एक है यू वॉन्ट टू पास टुमोरोज टेस्ट। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम यहाँ पे इफ़ कर रहा है, और इफ़ क्या है, हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक कि कंजंक्शन क्या होता है। सिंपल से आप समझ लीजिए कंजंक्शन क्या है, किसी वर्ड्स या फ्रेज या क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। अब कंजंक्शन अगर आप समझेंगे तो आपको क्लॉज भी पता होना चाहिए। दो जो क्लॉज होते हैं, एक हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। मैंने आपको बताया कंजंक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो कंजंक्शन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड है कोरिलेटेड कंजंक्शंस। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ कंजंक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कैटेगरी है कंजंक्शन की वो है हमारी
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे प्रीपोजिशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, सिंपल प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा वही यूज़ होते हैं, उसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और दे कैन जॉइन वर्ड फ्रेज एंड क्लॉज. द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 7 coordinating conjunction and they are easy to remember if you can just remember the acronym fanboys. ठीक है, ये fanboys है, इस word को आप याद कर लीजिए तो आपको 7 coordinating conjunction होते हैं वो उन्हें याद करने में बहुत आसानी होगी. ये जो है बहुत ज़्यादा important है, coordinating conjunction सबसे ज़्यादा ये आते हैं question में. तो F for होता है for, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो. ठीक है, तो ये वर्ड आप याद कर लेंगे तो आपको 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद हो जाएंगे. अब इनके यूज देखते हैं. फॉर, सबसे पहला है हमारा फॉर बॉयज में क्या है, सॉरी फन बॉयज में सबसे पहला क्या है, एफ, एफ से है फॉर. फॉर जो है वो आपने प्रीपोजिशन में भी आप देखोगे फॉर का यूज़, तो यहाँ कंजंक्शन में भी है. फॉर का यूज़ जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में ज़्यादा होता है, कंजंक्शन के रूप में कम होता है, लेकिन आपको ये भी यूज़ पता होना चाहिए. तो जैसे हमारा ये क्या करता है, फॉर का एक्सप्लेन रीज़न और पर्पज़. ठीक है, फॉर किस लिए हम यूज़ करते हैं, हमें कोई रीज़न बताना अपने सेंटेंस में या कोई पर्पज़ बताना है तब हम फॉर का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक बिकॉज, बिकॉज भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, पर्पस या रीज़न को बताने के लिए. जैसे एग्जांपल है, आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लॉन्ग टू सी हिज फेस. ठीक है, तो क्या है, मैं हर संडे पार्क जाता हूँ ताकि मैं उसका फेस देख सकूँ. तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, एक रीज़न बता रहे हो कि एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं हर संडे पार्क जा रहा हूँ, है ना, एक पर्पज़ है. तो वहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया है और फॉर यहाँ पे कंजंक्शन है. देखिए कंजंक्शन को ढूंढना बहुत कठिन नहीं है, सिंपल से अगर आप किसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करें और आप देखेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो उसमें दो, हम उस सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं. ठीक है, और वो दो भाग जो है वो जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जिस शब्द से जुड़े हुए हैं, वो शब्द हमारा कंजंक्शन होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, आई गो टू द पार्क एवरी डे, अब ये अपने में एक सेंटेंस है, अपने में एक क्लॉज है. फॉर फिर है आई लॉन्ग टू सी हिज फेस. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है. आई गो टू द पार्क एवरी डे, ये किसी पे निर्भर नहीं कर रहा ना, ये वाक्य अपने आप में पूरा है. ठीक है, लेकिन आई लॉन्ग टू सी हिज फेस जो है वो डिपेंड कर रहा है. तो फॉर यहाँ पे हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सेकेंड है हमारा एंड, एड्स वन थिंग टू अनदर. एंड, एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें कोई और चीज़ एक चीज़ में जोड़नी होती है, क्योंकि एंड का मतलब होता है और, है ना. एग्जाम्पल है, आई लाइक टू रीड एंड आई राइट फेथफुली इन माई जर्नल एवरी नाइट. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा दो क्लॉज है और उसको एंड ने जोड़ा है. ये क्या बोल रहे हैं कि आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, साथ में क्या, एंड आई राइट फेथफुली इन माई जर्नल एवरी नाइट, और उसको क्या, लिखना भी पसंद है, वो जर्नल्स लिखती है हर रात को. ठीक है, तो और का यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है, एक और चीज़ को बताने के लिए, अपनी बात में एक और बात को जोड़ने के लिए. नेक्स्ट है नॉर, नॉर यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया. नॉर जो है वो नॉट की ही तरह होता है, एक नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहाँ पे क्या है कि आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया, यानी पहले से एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव थॉट है, उसमें हमने एक और नेगेटिव थॉट को ऐड करने के लिए हम नॉर का यूज़ करते हैं. जैसे है, आई नीदर लव नॉर हेट टू वॉच टीवी, यानी ना तो मुझे टीवी देखना पसंद है और ना ही मैं टीवी देखने से कोई नफरत है मुझे, यानी कि मीडियम है. ठीक है, तो यहाँ पे था कि आई नाइदर लव, तो यहाँ पे नाइदर जो है वो भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें हमने एक और नेगेटिव वर्ड जोड़ा कि नॉर हेट टू वॉच टीवी. नाइदर और नॉर जिस तरीके से ईदर और एक साथ यूज़ होते हैं, उस तरीके से नाइदर और नॉर भी जो है वो एक साथ यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है बट, बट शोज कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को शो करता है, यानी किसी विरोधाभास को शो करता है. जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट फूल
बट वाइस, यानी वो बेवकूफ नहीं है लेकिन चतुर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फूल और वाइस एक दूसरे में कंट्रास्ट है और वहां पे हमने बट का यूज किया है। तो यहाँ पे बट हमारा कंजक्शन हो गया जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइंट करने का काम कर रहा है और पूरे सेंटेंस को एक अर्थ प्रदान कर रहा है। कंजक्शन क्या है? दो फ्रेसेस को भी जोड़ सकता है, दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है और दो क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है और। प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव और अ चॉइस। और का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कि एक और दूसरी कोई चॉइस हमारे पास है, एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, तो अल्टरनेटिव या अनदर चॉइस को शो करने के लिए। जैसे है वुड यू रादर रीड अ बुक और वॉच अ गुड टीवी शो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें बोली गई हैं कि रीड अ बुक या फिर वॉच अ गुड टीवी शो। तो आपके सामने दो चॉइस रखी गई है, दो अल्टरनेट रखे गए हैं, उस उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने और का यूज़ किया, तो वो एक यहाँ पे कंजंक्शन है। यट, यट क्या है? इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रिसीडिंग आइडिया लॉजिकली सिमिलर टू बट। यानी यट जो है वो भी क्या है, कंट्रास्ट शो करता है और बिल्कुल बट की तरह ही काम करता है। आई ऑलवेज टेक अ बुक टू द बीच येट आई नेवर सीम टू टर्न अ सिंगल पेज। यानी मैं हमेशा बीच पर एक बुक ले जाता हूँ, येट चाहे मैं कभी भी एक सिंगल पेज को भी खोल के पढ़ूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो यही बता रहे कि मैं ले तो हमेशा जाता हूँ भले मैं पढ़ूँ ना। कंट्रास्ट हो गया ना दोनों सेंटेंस आपस में, दोनों फ्रेजेस जो सॉरी दोनों क्लॉजेस आपस में क्या हो गई है, कंट्रास्ट हो गई, तो उसको जोड़ने का काम येट। देखिए बहुत ही इजी है, आप आराम से कंजक्शन को देख सकते हो, खोज सकते हो। पहली बात तो आपको अगर याद है, पता है कौन से वर्ड कंजक्शन, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है आप देखोगे कि हमेशा कंजक्शन जो है वो मोस्टली दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा होता है। ठीक है, और अभी आप आगे भी देखोगे कि पहचान कैसे है, कैसे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट सो। सो इंडिकेट इफेक्ट रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। यानी सो किस लिए यूज़ किया करते हैं हम, किसी इफेक्ट या किसी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। एग्जाम्पल है आई लाइक टू रीड सो माई ग्रामर इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। यानी मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए मेरी ग्रामर जो है वो हमेशा कैसी होती है, बिल्कुल सही होती है। तो इसलिए सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप ग्रामर डेली पढ़ रहे हो, इसलिए इसका रिजल्ट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपका ग्रामर जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट को या कॉन्सिक्वेंस को आप कह सकते हो। ये तो थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक नोट है कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यूजिंग कॉमास विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए मैं अभी आपको बता रही थी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आगे कॉमा आता है। अब कॉमा कब आता है, कहाँ आता है, वो आपको पता होगा तो आप आसानी से उसे देख लोगे। जैसे है इफ़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज जॉइनिंग टुगेदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, तो इट नीड्स टू हैव अ कॉमा विद इट। तो उसको उसके आगे कॉमा होगा, यानी उसको कॉमा की ज़रूरत है। और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हैव द एबिलिटी टू स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, वो अपने आप में क्या एक संपूर्ण वाक्य होते हैं, उन्हें किसी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पे निर्भर नहीं होना होता है। ठीक है, ये होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा होता है, तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये है सेंटेंस हमारा, यहाँ पे देखिए कॉमा यूज़ हुआ है हमारा। ठीक है, आई लाइक टू रीड अपने आप में एक सेंटेंस है कि हाँ मुझे पढ़ना पसंद है, और माई ग्रामर इज ऑलवेज ऑन पॉइंट यानी मेरी ग्रामर हमेशा सही होती है। तो ये भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस सेंटेंस जो है उसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है। तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको सो जोड़ रहा है एक जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे आगे क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। ठीक है,
अब सेकंड है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज. यानी यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. इन दोनों को जोड़ने का काम करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, और सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट डज नॉट नीड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? स्वतंत्र है, अकेला एक पूरा अकेला खड़ा हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस के रूप में, एक संपूर्ण अर्थ के रूप में. ठीक है, और इसको किसी दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे एग्जाम्पल है द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट, यानी स्टूडेंट जो है वो टेस्ट में फेल हो गया, बिल्कुल कंप्लीट है ये सेंटेंस. अगर है नेक्स्ट है कि अ डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, दे ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज. यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वो डिपेंडेंट होता है, वो कभी भी क्या है, अकेला कंप्लीट सेंटेंस के रूप में खड़ा नहीं रह सकता है. जैसे एग्जाम्पल है बिकॉज शी डिडंट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की. ठीक है, तो शी डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की, ये अपने आप में क्या है, अधूरा है. इसमें उसने पढ़ाई नहीं की क्या क्या मतलब, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसने पढ़ाई नहीं की, इससे क्या मतलब है? आप अगर आप किसी से बोलोगे उसने पढ़ाई नहीं की, तो आप बोलोगे ना कि कौन सी पढ़ाई नहीं की, किसके लिए पढ़ाई नहीं की, एक अधूरा सा सेंटेंस लग रहा है ना. तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फेल हो गई क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की. ये जब हम इस दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक कंप्लीट मेन क्लॉज बन जाएगा. जैसे है यहाँ पे द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिडंट स्टडी, ये अपने आप में कंप्लीट हो गया. और यहाँ पे क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक और एक डिपेंडेंट क्लॉज को बिकॉज ने जोड़ने का काम किया है, तो बिकॉज यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन गया. ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं. इन इंग्लिश देयर आर लॉट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज लॉन्ग, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ अंटिल, व्हेन, व्हाइल, वेयर, दो, सिंस, वेदर. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं. लेकिन आपको आप कैसे पहचान सकते हो इनको, कुछ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, याद कर सकते हो. और दूसरी पहचान इनकी होती है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है वाइल यहाँ पे क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. वाइल आई वॉज इन कॉलेज माई यंगर सिस्टर वॉज इन हाई स्कूल. यानी कि जब मैं कॉलेज में था, मेरी यंगर यानी मेरी छोटी बहन जो थी वो हाई स्कूल में थी. तो यहाँ पे दो क्लॉज है, एक है आई वॉज इन कॉलेज और एक है माई यंगर सिस्टर वॉज इन हाई स्कूल. ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वाइल. इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माई यंगर सिस्टर वॉज इन हाई स्कूल वाइल आई वॉज इन कॉलेज. ठीक है, सेम सेंटेंस है दोनों. यहाँ पे हमने वाइल को बीच में डाला और यहाँ पे वाइल को स्टार्टिंग में डाला. अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमें क्या है, जब हम दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जो है उनको जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर ये बीच में आ रहा है तब कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो ही क्या कर रहा है, दोनों क्लॉजेस को अलग दर्शा रहा है कि यहाँ पे दो क्लॉज हैं. तो माई यंगर सिस्टर वॉज इन हाई स्कूल वाइल आई वॉज इन कॉलेज. ठीक है, सेकेंड हमारा सेंटेंस है इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो टू स्कूल. ठीक है, तो इफ हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट रेन्स हमारा एक क्लॉज है और एक आई वॉन्ट गो टू स्कूल हमारा एक क्लॉज है. अब यहाँ पे भी इफ आगे आया है तो इसलिए हमने दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज़ किया. इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई वॉन्ट गो टू स्कूल इफ इट रेन्स. तो यहाँ पे हमने किसी कॉमा का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा कंजंक्शन जो है वो बीच में आया है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थर्ड आई कांट हेल्प यू
अनलेस यू रिक्वेस्ट मी, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता जब तक तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे, तो आई कांट हेल्प यू। और एक हमारा क्लॉज है ये, और एक है यू रिक्वेस्ट मी। यहाँ पे जो यू रिक्वेस्ट मी वो हमारा कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई कांट हेल्प यू हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अपने आप में कम संपूर्ण वाक्य में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, यू रिक्वेस्ट मी अनलेस यू रिक्वेस्ट मी, अनलेस हमारा यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देखिए अब ये जो कंजंक्शन है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकते हैं, या फिर सेंटेंस दिया होगा उसमें आपसे पूछ सकते हैं इसमें कौन सा कंजंक्शन वर्ड है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आता है कि आपको यहाँ पे गैप कर दिया जाएगा और यहाँ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको कंजंक्शन आप तभी भर सकते हैं सही, जब आपको सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर आप उसके अर्थ को समझ लेंगे, जो कंजंक्शन है उसका अर्थ आपको पता होगा कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है पता है, तो आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि आई कांट हेल्प यू यू रिक्वेस्ट मी, ठीक है, मैं तुम्हारी, अगर हिंदी में हम कन्वर्ट करें कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अनलेस यू रिक्वेस्ट मी, यानी जब तक तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे, तो अपने आप में समझ में आ रहा है कि आप यही लगाओगे, इसके अलावा आप क्या लगाओगे, मैं कुछ और आ ही नहीं सकता है ना। फोर्थ है आई विल स्टे विद माई पेरेंट्स अनटिल आई ग्रेजुएट, यानी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं कर लेता, अनटिल आई ग्रेजुएट, जब तक, तो जब तक के लिए क्या आता है अनटिल आता है, अनटिल हमारा यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह से फिफ्थ है ऑल दो आई एम नॉट फाइन आई कैन वॉक, ऑल दो भले ही मैं कैसा फाइन नहीं हूँ लेकिन मैं वॉक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपने कंजंक्शन हमने आगे लगाया, इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस दो क्लॉजेस हैं उनको जोड़ने में हमने कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट है ही वेंट टू द पार्क आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, He went to the park. He finished his homework. तो यहाँ पे ये हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इस तरह से है When I see you smile, I can face the world. यहाँ पे भी दो हमने बाद में दोनों क्लॉज लगे हैं तो वहाँ पे कॉमा लगाया और when जो है वो हमारा स्टार्टिंग में आया। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आएंगे तो दोनों जो क्लॉजेस है उसमें मोस्टली कॉमा का यूज़ होता है। जैसे आई विल स्लीप लेट बिकॉज आई नीड टू स्टडी, आई विल स्लीप लेट और आई नीड टू स्टडी दो अलग क्लॉज हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बिकॉज यहाँ पे जो है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सिक्स मंथ पास्ड सिंस आई मेट हिम, यहाँ पे सिंस हो गया। टेंथ है स्टे इनडोर एज लॉन्ग एज इट इज रेनिंग, स्टे इनडोर यानी घर के अंदर ही रहो जब तक बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट इज रेनिंग हमारा कैसा है डिपेंडेंट क्लॉज है, एज लॉन्ग एज लगा के हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ की इसके क्या है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसके दो रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आता है तो बीच में हमारा जो है वो कॉमा आएगा, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पहले आता है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आता है तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हमारा कोरिलेटेड कंजंक्शन। कोरिलेटेड कंजंक्शन लास्ट है। कोरिलेटेड कंजंक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटेड कंजंक्शन आर शॉर्ट ऑफ लाइक टैग टीम कंजंक्शन, दे कम इन पेयर एंड यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस टू मेक देम वर्क। मैंने आपको बताया था कुछ कंजंक्शन जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और उनको हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, वो हमेशा क्या है टैग टीम कंजंक्शन है, यानी हमेशा साथ में रहते हैं, टीम में रहते हैं, वो हमारे कोरिलेट कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल है बोथ एंड, बोथ और एंड का आप यूज़ एक साथ करते हो, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पेयर वाले कंजंक्शन हैं और इन्हें कोरिलेटेड कंजंक्शन कहते हैं। दे गेट देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट दे वर्क टुगेदर, को
रिलेटिव, को रिलेटिव कंजंक्शन है ना, तो को का मतलब क्या है, टुगेदर एंड रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू अनदर, यानी हमेशा ये साथ में यूज होते हैं और एक सेंटेंस के एलिमेंट को दूसरे सेंटेंस के एलिमेंट से को रिलेट कर रहे हैं, रिलेट करते हैं, इसलिए इनका नाम को रिलेट कंजंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, आई वॉन्ट ईदर द चीज केक और द चॉकलेट केक, यानी मुझे या तो चीज़ केक चाहिए या मुझे चॉकलेट केक चाहिए। तो ये जो हमारे दो ईदर और है, ये हमारे क्या है, कोरिलेट कंजंक्शन है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे, एक सेंटेंस को एक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, और ये हमें आप इन दोनों को साथ में यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। ऐसे ही है, वी विल हैव बोथ द चीज़ केक एंड द चॉकलेट केक, यानी मेरे पास दोनों हैं, चॉकलेट केक भी है और चीज़ केक भी है, तो बोथ और एंड यहाँ पे यूज़ हुआ है। थर्ड है, ओ यू वांट नीदर द चीज़ केक नॉर द चॉकलेट केक, यानी ओ तुम्हें ना तो चीज़ केक चाहिए और ना ही चॉकलेट केक चाहिए, तो नाइदर और नॉर यहाँ पे आया है एक साथ। इसी तरीके से ये सबसे आसान होते हैं, इनको ढूंढना सबसे आसान है, क्योंकि अब बहुत आप शुरू से इंग्लिश पढ़ते आए हैं तो आपने देखा होगा ये सब साथ में होते हैं। आई विल ईट देम बोथ, Not only the cheesecake but also the chocolate cake. तो यहाँ पे not only और but also जो है वो हमारा correlate conjunction है, यानी कि मुझे I will eat them both, यानी मैं इन दोनों को खाऊंगा, सिर्फ cheesecake को नहीं बल्कि chocolate cake को भी। तो not only और but also आ गया है। इसी तरह से fifth है हमारा, I see you आर्ड इन द मूड नॉट फॉर डेजर्ट बट एपेटाइजर, यानी मैं देख रहा हूँ कि तुम डेजर्ट खाने के मूड में नहीं हो बल्कि एपेटाइजर के मूड में हो, तो नॉट और बट साथ में यूज हुए हैं। तो ये जो है सबसे आसान, सबसे ईजी जो है वो हमारे कोरिलेट कंजंक्शन को ढूंढना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को ढूंढना भी ईजी है। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है ढूंढने में तो वो हमारे जो सेकेंड कैटेगरी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसको आ सकती है, वरना कोरिलेट कंजंक्शन और हमारा जो सबसे पहला कंजंक्शन था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो इजी है, दोनों ही आप आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। इनमें भी कोई नहीं, बस आप क्लॉज का ध्यान रखिएगा, ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें भी आप आसानी से आप फिर देख लेंगे। ठीक है, अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इजी लगेगा आपको, कोई इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं कंजंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी था ये टॉपिक, तो मैंने सोचा एक वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।